दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उस दौरान भारत में लगभग हर सेक्टर में तरक्की करते हुए दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक समय में जिस भारत के पास सीप बनाने की भी तकनीक नहीं थी, आज वो भारत दुनिया के अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर एरोप्लेन का निर्माण कर रहा है। जिस भारत की GDP कभी ब्रिटेन के हाथों में हुआ करती थी, वही भारत आज इकोनॉमी सुपर पावर बनने की रेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और ऐसा ही आगे होता रहेगा। लेकिन इन सब के दौरान क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश ना होकर अगर एक होते तो क्या होता? तो दोस्तों, सोचिए कैसा होता वह यूनाइटेड इंडिया और क्या होती उसकी हालत। कि आज हमारे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान होते तो क्या हम 5वीं इकोनॉमी के जगह दूसरी या तीसरी इकोनॉमी होते? तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं कि कैसा होता यूनाइटेड इंडिया। यह सब समझने के लिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की नींव पड़ी कैसे और यह देश सिर्फ 1947 में ही अचानक ही भारत से अलग हो गया, या फिर इसके बनने की कुछ और ही कहानी है। दोस्तों, जाहिर है कि कुछ और कहानी नहीं होती तो शायद हम इसे अपने वीडियो का पार्ट नहीं बनाते। इसीलिए अब चलते हैं सबसे पहले उस टाइम पर जब देश में कॉलोनियल एरा पर, जब अंग्रेजों का शासन काल अपने चरम पर था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, जिसके विरोध में 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की। वह भी ऐसी क्रांति की, अंग्रेज सदमे में आ गए। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह भारत पर ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे मोटिवेशन के साथ लगे थे, जिसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने भारत की दो बड़ी सबसे आबादी वाली धर्मों के बीच नफरत फैलाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही 1880 में पहली बार एक कट्टर मुस्लिम नेता सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी ब्रिटिश लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर दो देशों में बांटने की वकालत की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ही देश में 1906 में पहली बार मुसलमानों के लिए एक नेशनल पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और वह ऑल इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी कहलाई। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से हम आपको यह समझा पाते कि अगर भारत यूनाइटेड होता तो उसकी शक्ल कैसी होती। अगर भारत यूनाइटेड होता तो हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान होता। अगर 1947 में हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान रहता तो शायद आज तालिबान का जन्म नहीं होता, क्योंकि तालिबान की जन्म की जो कहानी शुरू होती है वह है कोल्ड वार, जो 70 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। यह जंग डायरेक्ट ना लड़ कर के इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहे थे। ऐसे में सोवियत संघ उस समय में अफगानिस्तान के कम्युनिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी को भेजकर सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध को जवाब दे रही थी। वही अमेरिका ने इसके खिलाफ काम करते हुए अफगानी लड़कों को हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था, और पाकिस्तान से होते हुए वो हथियार बॉर्डर पर अफगानी लड़कों के पास जाते थे, जिससे वो रशियन आर्मी के साथ जंग करते थे। और उस तरह से अफगानिस्तान में जन्म हुआ तालिबान का, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान परेशान है। ऐसे में अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो शायद अमेरिका कभी भी अफगानी लड़कों को भारत के जरिए हथियार प्रोवाइड नहीं करा पाता, क्योंकि भारत कोल्ड वार के दौरान न तो रशिया के साथ था और न ही अमेरिका के साथ। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इस तरह के आतंकी कभी पैदा होते, जिससे आज पूरी कश्मीर बुरी तरह से प्रभावित है। अगर कश्मीर यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होता तो वहां जो 80 के दशक में आतंकवाद का बीज बोया गया था वो कभी नहीं पनप पाता, और ना ही कभी 90 के दशक में वहां से कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ता। कश्मीर के अलावा अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर भी बांग्लादेश आज भारत का ही हिस्सा होता, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत को नंबर वन बनाने में काबिल होता। पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश भी उसका हिस्सा बन गया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ के लोगों पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपने का जो काम किया, उससे वहाँ की जनता उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गई,
जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत को आखिरकार बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में उसकी मदद करनी पड़ी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज बंगाली मुसलमानों का इलाका इसी यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होता। यूनाइटेड भारत में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी होती, क्योंकि आज जहाँ इंडिया के पास 14 लाख सैनिक है तो वहीं पाकिस्तान के पास 7 लाख सैनिक है। अगर हम दोनों को मिला कर दे तो हमारे पास करीब 20 लाख सैनिक होती जो चाइनीज सैनिक को पूरी तरह से रौंद देती। और तो और ऐसी मिलिट्री को सपोर्ट करने वाली स्पाई एजेंसी भारत की रॉ और पाकिस्तान की ISI मिलकर के देश के लिए सुरक्षा का काम करती। भारत पाकिस्तान सिर्फ ज़मीनी बॉर्डर नहीं बल्कि समुद्री सरहदें भी शेयर करते हैं। 3,323 किलोमीटर की ज़मीनी सरहद के अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियन ओशन के साथ भी लगती है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो भारत अपना मेरीटाइम बॉर्डर और एक्सटेंड कर लेता, और भारत के पास मुंबई के अलावा कराची भी एक बड़ा कमर्शियल पोर्ट वाला शहर होता जिसके इस्तेमाल से हमारी GDP कुछ और होती। और तो और अगर भारत यूनाइटेड इंडिया होता तो उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अमेरिका, चीन और रसिया जैसे देशों के बराबर कंपेयर किया जाता। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के लिए तो यही अच्छा रहेगा कि हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहें। एक देश बनने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आपका इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।